भारतीय मूल की अमेरिकी नेता और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत रह चुकी निक्की हेली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होना है। निक्की हेली अब इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक निक्की हेली ने कहा, मुझे गर्व है कि भारतीय प्रवासियों की बेटी हूँ। बेहतर जीवन की तलाश में मेरे माता पिता भारत से चले आए थे, वे दक्षिण कैरोलिना में रहे। हमारा शहर हमसे प्यार करने लगा, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था, हम अकेले भारतीय परिवार थे। 51 वर्षीय रिपब्लिकन नेता निक्की हेली इस औपचारिक घोषणा के साथ अपने एक बार के बॉस और 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में खुद को पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि पिछले वर्ष तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कहा था, इसलिए अब हेली ट्रंप के खिलाफ मुकाबले में शामिल होने वाली पहली दावेदार होंगी। निक्की हेली दक्षिण कैरोलिना की दो बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही है। दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन में बुधवार 15 फरवरी को एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए निक्की हेली ने घोषणा की, एक मजबूत अमेरिका के लिए, एक गौरवान्वित अमेरिका के लिए, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए दौड़ में हूँ। उन्होंने कहा, जब अमेरिका का ध्यान भटकता है तो दुनिया कम सुरक्षित होती है, और आज हमारे दुश्मन सोचते हैं कि अमेरिकी युग बीत गया है। वे गलत है, अमेरिका अतीत नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि हमारे राजनेता उनके अतीत है।